गेंदस जी रहते कहाँ है? अयोध्या में रहते हैं। गेंदस जी रहते कहाँ है? अयोध्या में रहते हैं। उसका ट्रस्ट अयोध्या में है, रहते है उधर में, लेकिन उसको मेला मैं कर देती हूं। और 30 लाख 40 लाख लोग यूपी से बिहार से जाते हैं। हम लोग कभी किसी को पूछता नहीं है क्या तुम्हारा रिलीजियन क्या है, तुम्हारा प्रांत क्या है। हाँ, मैं ही पूछते चाहे कि आप तो हिंदुस्तानी है ना, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई बनारस में रहते हैं, कोई मीरात में रहते हैं, कई मथुरा में रहते हैं, कोई वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, कोई हथरास में रहते हैं, कोई उन्नाव में रहते हैं, कोई लखनऊ में रहते हैं, कोई इलाहाबाद में रहते हैं। पूरा दिल से दिल मिला के आप लोगों ने एक साथ में हिंदुस्तान से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। अगर ये राज्य से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया। आपको पहले पसंद करना है, आप बीजेपी का झूठा बोलने से वोट देंगे ना? वास्तविक में जो काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे, आप उनका वोट देंगे। और कुछ कुछ लोग तो है जो बसंतों में कोकिल आता है ना, कुहू कुहू करते हैं, आपको क्या बोलते हैं आपका लैंग्वेज में? कोयल बोलता है, जो कोयल दोयल आता है वोट काट के भाग जाता। वोट का बाद उसको देखा नहीं होता, बोलता है हमारा बंगाल में तुम्हारा देखा नहीं गो, तुम्हारा देखा नहीं, तुम्हारा भेंट नहीं है, तुम्हारा सखात नहीं है, तुम्हारा भेंट नहीं है, तुमको मिलता नहीं है। चुनाव का बाद 5 साल घर में बैठ के रहते हैं, कोई दिल्ली में बैठ के रहते हैं, कोई हैदराबाद में बैठ के रहते हैं, कोई इधर उधर घूमते हैं, और चुनाव का टाइम में चला आता है कि वो वोट का कोयल हो गया है, वोट में उसको वोट लेना है। ऐसा लोगों को कभी वोट देके अपना वोट नष्ट मत करो। मैंने सुना है आज हमारा प्रोग्राम है, इसी के लिए बीजेपी का आज मैनिफेस्टो निकालना है। वो मैनिफेस्टो ना मैनिफेस्टो मेरे को पता नहीं है, किया क्यों नहीं इतना दिन। पहले तो करना है, उसका बाद बोलना है। आपको अभी बोलना पड़ता है, इतना साल आप दिल्ली में पहाड़ में है, आप यूपी में पहाड़ में है, तो क्षमता में रह के आप गोली चलाते हो, बर्बादी करते हो। मां बहन को क्या हुआ है हमको बोलने का जरूरत नहीं है, इतिहास बताएंगे। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे, पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था माफी मांगो। पवित्र धरती मेरे को गंगा माई है, जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते हैं। मेरे को पता चला जब मालदा में मेरे बंगाल में उत्तर प्रदेश को डेड बॉडी मिला, लाश मिला कोविड का बाद, सब लाश गंगा मां को फेंक दिया, नंबर नहीं लगेगा लगेगा। मैंने वो लाश उठाया और उसको उठा के शांति से उसको, जिसको समाधि है, जिसको श्रद्धांजलि है, जिसको क्रीमेशन है, जो भी धर्म का माफी करना है मैंने सब कर दिया। लेकिन तब कहां थे आप लोग जब कोविड में लोग मरते थे? तब योगी जी आप कहां में थे?
अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में आप, वो बात को भी आप मत भूलो। माफी मांगो, कितना आदमी को आप गंगा में फंसा दिया, सुला दिया, उसको परिवार को देखने का मौका भी नहीं दिया। आज वो लोगों को अत्ता खड़ा है, वो लोग पूछ रहा है क्या जोगी जी वोट चाहिए ना, हमारा आत्मा का दुख जो हुआ है उसको आप पहले निभाओ, हमको आग जल रहा है, आप पानी में भी आग जला दिया, अब पानी में आग जला दिया। जब कोई लोग मर जाता है वो सबसे ऊंचा हो जाता है, हम लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर। और आपने क्या किया, सबको फेंक दिया, पानी में आग लगा दिया। आपका पास लकड़ी नहीं था, जलाने का लकड़ी भी नहीं था, आप सोचा भी नहीं था। पहले माफी मांगो उसका बाद वोट मांगो। मैनिफेस्टो कर रहे, मैंने सुना है स्कूटी वगैरह वगैरह कुछ देने का वादा करेगा, वादा तो करते ही है, दिया क्यों नहीं। मैं मेरे को जितना स्कूल है 1,20,00,000 साइकिल बिना पैसा में दिया है स्टूडेंट को, दे दिया। वो मैनिफेस्टो में मेरे को बोलने का ये नहीं है। हम लोगों ने टैब सबको दे दिया, मैनिफेस्टो को बोलने के लिए नहीं है। आज 5 साल आप लोगों ने क्या किया, सबसे रुपया तो यूपी का मिला, सबसे ज्यादा रुपया भारत सरकार सब काम में नरेंद्र मोदी कहता है हमने किया, हमने किया, कहां से किया, हमारा क्या, हमारा पॉकेट से ले आता है मनी, जनता का रुपया आप स्टेट से ले जाते हैं, इनकम टैक्स का नाम पे, जीएसटी का नाम पे, कस्टम्स का नाम पे, ये सब टैक्स लेके आप जमा करते हैं और इससे 40% स्टेट को देते हैं, 60% आप खर्चा करते हैं। स्टेट का मनी है, जनता का मनी है। आज आप कह रहे हैं कोविड को इंजेक्शन मैंने फ्री में दे दिया, वो क्या आपका रुपया है, वो जनता का रुपया है। अब जनता से रुपया लिया और कब दिया, कैसे दिया, कितना दिया। आप तो कहते हैं जोगी जी 4,00,000 करोड़ हम इन्वेस्ट किया है यूपी में, कहां गया रुपया, क्या पीएम केयर में भेजा, उसमें तो ऑडिट नहीं होगा, इसी के लिए आप कह दे सकते हैं। आप पूछिए ना क्या दिया और रुपया गया कहा। अगर इन्वेस्ट हुआ तो हम खुश है, मोगाम्बो खुश है, मीन्स उसका मोगाम्बो खुश है, लेकिन बोलिए और रुपया गया कहा, क्या पीएम केयर में भेजा, उसमें तो ऑडिट भी नहीं होगा, कैग भी नहीं जाएगा। हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कोई दुखी स्टूडेंट को देते, कोई मां बहन को देते तो आप सीबीआई भेज देते, और पीएम केयर में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया आप गवर्नमेंट का अधिकारी से लिया, आप पब्लिक सेक्टर से लिया, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लिया, आप सीएसआर का नाम पे लिया, लेकिन वो रुपया का कोई ऑडिट नहीं होगा, किसी को पता नहीं है इतना रुपया कहां से आया, कहां से गया और कहां से चला गया, कहां से आदमी भूखा रहा। धनवान का बेटा खजाना भरते हैं और मजदूर रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। आपका पता नहीं है कोविड का टाइम में कितना माइग्रेंट वर्कर रास्ता में मर चुका, कैसे हम भूले वो दिन, कैसे हम भूले। एक बच्चा को लेके माए चलता है
एक छोटा से बहन पे बच्चा को सुला के वो अब नहीं भूल सकता है कितना माइग्रेंट वर्कर भूख में मर गया। मैं तो आज आपको कहने चाहूंगी कोविड में जितना लोगों को मौत हुआ है, एनआरसी में जितना लोगों को मौत हुआ है, दंगा में जितना लोगों को मौत हुआ है, किसान का आंदोलन में जितना लोगों को मौत हुआ है, सबको परिवार को एक रेल से चक्री मिलना चाहिए। मैनिफेस्टो में पहले ये लिखो, रेल में बहुत सारे वैकेंसी है, दे दो गरीब लोगों को। हम देखता है जनता को क्या किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या पैसा है, कुछ नहीं है। हम जो बेटी, हमारा एक प्रोग्राम है कन्याश्री, जो यूनाइटेड नेशंस में विश्व भर फर्स्ट प्राइज मिला, हम उसको 25,000 देता है 18 साल में, अगर वो पढ़ाशुना करते है शादी नहीं करते है तो उसको हम स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर पूरा बिना पैसा में पढ़ाता है, स्कॉलरशिप देते है। अपने अपना बजट क्या है, 100 करोड़ बजट है तो 75 करोड़ आप उसको एडवर्टाइजमेंट चला देते है, 5 पैसा भी नहीं मिलते है। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बेटी हटाओ देश बचाओ ऐसा करते है। उन्नाव में ऐसा ही किया, हथरास में ऐसा ही किया, जिंदगी जला दिया। कितना एनकाउंटर के नाम पे कितना आदमी को आप मारा। एनआरसी का मूवमेंट का टाइम मैंने देखा, हम भी एनआरसी का मूवमेंट में थे, मैंने एनआरसी, हम चाहते हैं हमारा देश में चाहे जाट हो, चाहे किसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यूथ हो, सब एक साथ में रहे अच्छा रहे। आप लोगों ने देश बंटवारा का काम किया, इतिहास को बंटवारा का काम किया, इतिहास को भी आप चेंज कर रहे हैं, स्टेशन का नाम चेंज कर रहा है, रेल भवन का मापिक हेरिटेज भी नष्ट कर दिया, शहीद ज्योति का मापिक अमर ज्योति भी नष्ट कर दिया। आप सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचना किया था, आज वो बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के लेके अब खेल रहा है, उसके साथ खिलवाड़ी कर रहा है, कोई कानून नहीं मानते। अब कानून हिफाजत करते हैं और बड़ा बड़ा बात करते हैं। इकबाल का एक शायरी था, वो शायरी ये है कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, उसको मां का देहांत का बाद लिखा था, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं जब तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी। आज ये ना हो जो देश आजादी हुआ, जो देश में लोकतंत्र है उसको पूरा खत्म करके नाश करके ये ना कहो कि देशवासी आप चल बसी और वो चलेगा अकेला, ऐसा नहीं हो सकता है। देश संभालना मुश्किल होता है, देश का नेता कैसा हो, गांधी जी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नेताजी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, आपका उत्तर प्रदेश कितना बड़ा बड़ा नेता का जन्म दिया है, देश का नेता कैसा हो, लाल बहादुर जैसे हो, देश का नेता कैसा हो, जय जवान जय किसान जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, चरण सिंह जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, रविंद्रनाथ जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, तुलसीदास जैसा हो, देश का नेता कौन कैसा हो। हम हर धर्म को मानते हैं,
हम धर्म को हम पूजा करते हैं, हम पूजा पाठ करके घर से निकालते हैं, लेकिन हम अंबेडकर को भी पूजा करते हैं। हम दलित भाई बहन को कहने चाहूंगी कि आप लोग भी सोचे कि आपका इधर का जो लीडर है कोई काम नहीं करते हैं, बीजेपी का पास पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसे यूपी नहीं चलेगा। मां बहन को मैं कहने चाहूंगी, चाहे झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे आपका यूपी का जो लड़की ने जिसको जिंदगी जला दिया रास्ता पे, आज मां बहन